हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एच टेट या सी टेट जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सन 2018 में जो एच टेट का एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी लेवल का, उसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख सकते हैं। इससे पहले इस एग्ज़ाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें अशुद्ध संधि वाला विकल्प है थर्ड, तत् जमा उपरांत तदोपरांत। नेक्स्ट है, वह दिन भर लिखता रहा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो इसमें क्रिया विशेषण का भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। और कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चलता है उनको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि आज, कल, प्रतिदिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो है विद्वत्ता। ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाच्य चुनिए। तो इसमें जो भाववाच्य है वो है गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का प्राय नहीं है? तो इसमें जो थर्ड है हिरम्भ, ये गरुड़ का प्राय नहीं है, बाकी अहिभोजी, वैनतेय और खगनाथ ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य है आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। नेक्स्ट, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। नेक्स्ट है, निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसमें से जो फर्स्ट है विज्ञापनदाता, ये नहीं है। संकर शब्द होता क्या है? जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं, जैसे कि डबल रोटी। तो इसमें जो डबल है वो क्या है? इंग्लिश का है, और जो रोटी है वो हिंदी का है, तो दो भाषाएं हो गई। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, तत्सम तत्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें से है सेकंड, ये असंगत विकल्प है, लोहमशा लोमड़ी। नेक्स्ट है, असंगत कथन छाटिए। तो नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा, ये असंगत है। बाकी दोपहर से पहले का समय है उसको पूर्वाहन कहा जाता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको लोम हर्षक कहते हैं, और बालुका युक्त तटभूमि को सिक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सह गामिनी में। नेक्स्ट, इस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये है ईश्वर तुम्हारा भला करे, इसमें इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तो जो मीन केतु है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट है, वयोवृद्ध शब्द में संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि। ये 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे, अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दे अराइव्ड सून आफ्टर, द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज, तो ये यूज हुआ है एडवर्ब। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही इज डैश हिज ग्लासेस, तो इसमें होगा ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, आई टुक इट होम विद मी शी सैड, इसका करेक्ट हो जाएगा सी सैड, शी हैड टेकन इट होम विद हर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, द इंजर्ड प्लेयर वाज बींग
कैरिड ऑफ द फील्ड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द अर्थ डैश राउंड द सन, इसका करेक्ट हो जाएगा मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ट करेक्टली, तो इसमें जो सही है वो है सेकंड, डिस इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रीपोजिशन बतानी है। वी आर गोइंग फॉर ए ड्राइव डैश द कंट्री, इसमें आएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी प्रीपोजिशन बताना है। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज, इसमें करेक्ट होगा फर्स्ट, इन। वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्रीवेंस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नोन, इसका करेक्ट होगा फर्स्ट, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, इसमें आएगा कुड। नेक्स्ट है, देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इन टू इट, इसमें जो अंडरलाइन किया उसका मीनिंग बताना है, तो इसका होगा टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट है, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, इसमें पार्टिसिपल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही वोर ए टर्बन मेड ऑफ सिल्क, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये है एडजेक्टिव प्रेज। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव नॉट हियर द डैश न्यूज, तो इसका करेक्ट हो जाएगा लेटेस्ट, आई हैव नॉट हियर द लेटेस्ट न्यूज। ये एचटेट के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप एचटेट, सीटेट, नेट जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।